आरजेडी नेता सनोज यादव हुए बीजेपी में शामिल। रामकृपाल और नित्यानंद राय की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। 50 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल। तेज प्रताप पर लगाया था अपमानित करने का आरोप। सुशील मोदी के जनता दरबार में भी पहुंचे थे। जय श्री राम के नारे के मामले में पटना में अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद ने मांगी माफी। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने जताई थी नाराजगी। सीएम के निर्देश पर मांगी माफी। लालू यादव को मिला तारिक अनवर का साथ। 27 अगस्त की रैली में शामिल होगी एनसीपी। तारिक ने कहा ऐतिहासिक होगी 27 अगस्त की रैली। पीएम मोदी के मन की बात। बीजेपी कार्यालय में नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने सुनी मन की बात। डिप्टी सीएम सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे समेत कई नेता रहे मौजूद। पटना में एसएसपी कार्यालय पर किन्नरों ने बोला धावा। किन्नर काजल की हत्या के विरोध में किया हंगामा। आरोपी को मौत की सजा की कर रहे मांग। बेटा और कोयलवर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। माइनिंग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 17 पोकलेन जब्त। 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। एसएसपी मनु महाराज ने कहा जारी रहेगी कार्रवाई। जम्मू में दो अलग अलग जगह कांवरिए हुए सड़क हादसे का शिकार। पेलवाजन में एक की मौत, 50 कांवरिया घायल। बेलाटांड में भी 20 लोग हुए सड़क हादसे का शिकार। बांका में ऑटो और स्कॉर्पियो की आमने सामने की भिड़ंत। ऑटो सवार 6 कांवरिए हुए गंभीर रूप से घायल। 4 की हालत नाजुक। सभी घायलों को बाराहाट पीएचसी में भर्ती करवाया। भागलपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग के दफ्तर में नष्ट की गई हजारों बोतल देसी और विदेशी शराब। शराब के करीब 8,000 कार्टन पर चला बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं रचनी। आरजेडी नेता रहे सरोज यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि लालू के आवास पर इफ्तार पार्टी के बाद सरोज ने आरोप लगाया था कि उनके साथ तेज प्रताप यादव ने मारपीट की और इफ्तार पार्टी से बाहर निकाल दिया। सरोज ने न्यूज इंडिया पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। इसके बाद सरोज यादव सुशील मोदी के जनता दरबार में भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने के बाद वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। रामकृपाल यादव और नित्यानंद राय की मौजूदगी में सनोज यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सनोज के साथ 50 कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की। नीतीश सरकार के गन्ना एवं अल्पसंख्यक मंत्री के जय श्रीराम के नारा लगाना महंगा पड़ गया। पहले खुर्शीद के खिलाफ फतवा जारी हुआ और बाद में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नाराजगी के चलते उन्होंने सीएम के निर्देश पर माफी भी मांग ली। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद आलम को आखिरकार जय श्रीराम के नारे लगाने को लेकर माफी मांगनी पड़ी। सीएम के आवास पर अल्पसंख्यक नेताओं की मीटिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार के कहने पर खुर्शीद ने माफी मांग ली। बता दें कि विश्वास मत के दिन विधानसभा परिसर में खुर्शीद ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके बाद उनके खिलाफ इमारत शरिया के मुफ्ती की ओर से फतवा जारी करने का दावा किया गया था और बिहार की सियासत में फतवे पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि खुर्शीद ने कहा था कि वो किसी से डरते नहीं। सब जानता है कि टूट गया कि क्या हुआ। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, एक ही शक्ति है जो दुनिया को चला रहा है और हम जो है इससे घबराने वाले आदमी नहीं है। हम सेवा करने आए हैं। आज सेवा मैं करता हूँ, खिदमत करता हूँ। अरे मैं बोला नू कि अगर पूरे कायनात, पूरे हिंदुस्तान, इस वतन में हमारी पैदाइश हुई है, इस राज्य
हमारी इस धरती पर हम रहते हैं तो इसकी तरक्की के लिए, अमन चैन के लिए, जिसमें सभी समुदाय के लोग बसते हैं और यहाँ आपसी सौहार्द मेल मोहब्बत स्थापित रखने के लिए मुझे जय श्री राम का ही अगर नारा लगा देना पड़े तो अब रहा सवाल आत्मा राम कहूँ या रहूँ कहूँ, दोनों का मतलब एक ही है। इस मसले पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि खुर्शीद के खिलाफ साजिश की गई है। उन्होंने भी ये फतवा जारी किया है या जिन्होंने ये साजिश किया है उनको मुबारक। इस देश की परंपरा रही है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम और रहीम की पूजा करते थे। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रमजान और नवरात्रा करते थे और साथ ही साथ शंकराचार्य से आशीर्वाद लेते थे। ये तहजीब हमारा है एक दूसरे का सम्मान करना। जिन लोगों ने ये फतवा जारी किया उनको मुबारक। अगर किसी ने साजिश किया है तो मेरा उनको सलाह होगा, क्या सहाबुद्दीन जैसे हिस्ट्री सीटर से नहीं काम चल रहा है। हालांकि खुर्शीद को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा, लेकिन BJP प्रवक्ता अफजर शमशी ने खुर्शीद का समर्थन करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने का सबूत देने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आइडियल है, उन्हें तो इमाम हिंद कहा गया है, और किसी के सर्टिफिकेट देने से कोई मुसलमान होगा और कोई मुसलमान नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इस्लाम कबूल करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से इस मुल्क की तहजीब के लिए, इस मुल्क की तमद्दुन के लिए, इस मुल्क की एकता के लिए, इस मुल्क की अखंडता के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो एक आइडियल है, तो इसीलिए और इसको सांप्रदायिक रूप से देखना सरासर गलत है। बहरहाल जय श्री राम को लेकर बिहार में नई सरकार की पहली चुनौती सामने आ ही गई। नीतीश ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए महागठबंधन बनाया था, उन पर सांप्रदायिकता का इल्जाम न लगे इसीलिए खुर्शीद को माफी मांगने के लिए नीतीश ने तैयार किया। नए ढांचे में तैयार हुई नई सरकार को इसी तरह की चुनौतियों का सामना शायद आगे भी करना पड़े। पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सासाराम में BJP सांसद छेदी पासवान ने मंत्री खुर्शीद आलम पर मुस्लिम संगठन द्वारा फतवा जारी करने की निंदा की। छेदी पासवान ने कहा कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की सोच काफी छोटी होती है। वहीं जय श्री राम के नारे लगाने के मामले पर सांसद ने कहा कि हम सब फिरोज आलम जैसे लोगों का सम्मान करते हैं, कोई भी धर्म नफरत की बात नहीं करता है। सबसे छोटी सोच वाले लोग हैं। का देश में एक गीत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो मजहब राम का नाम लीजिए चाहे अल्लाह का नाम लीजिए, बात एक ही है। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, वही सबका सबकी उत्पत्ति करता है, सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि सृष्टि को चलाने वाला है। तो अल्लाह कहिए चाहे राम कहिए, बात एक ही है। यदि राम कहने एक अल्पसंख्यक के मुँह से राम शब्द निकलता है तो इसमें बड़प्पन झलकता है, और जो उसको फतवा जारी करके जाति से निकालने की बात कर रहे हैं उनकी छोटी सोच है। बिहार के गन्ना एवं अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद और फिरोज अहमद पर फतवा जारी होने पर NCP सांसद तारिक अनवर ने भी खुर्शीद पर निशाना साधा। तारिक अनवर ने कहा कि ऐसे लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं होता है, ऐसे लोग सत्ता की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखाए तो उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत है। सर, तो मतलब मास को, मुस्लिम कम्युनिटी को उनका बहिष्कार करना चाहिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इतना महत्व उनको देने के। रुकाते हैं अगली खबर का। BJP कोटे से बिहार के नए कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने नए सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि देश के विकास में किसानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जल्द ही कृषि रोड मैप लाया जाएगा, योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे किसानों को आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। आने वाले 5 वर्षों में एक प्रयास है जाकर कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी जाकर, उसके लिए हमें काम करना होगा उस क्षेत्र में जाकर के। अब
किसानों के सामने दो ही फसल होती है जनता, एक खरीफ एक रबी होता है। हमारा प्रयास होती है फसल उनका हो जाकर उनकी आमदनी बढ़े, उसके लिए पहला स्पेशल फिल्टर का व्यवस्था करते जा रहे हैं। तो ये सारी सुविधा पटना के जेडीयू कार्यालय में जेडीयू छात्र संगठन की बैठक हुई। बैठक में 11 अक्टूबर जयप्रकाश जयंती के मौके पर होने वाली दहेज विरोधी इनामी दौड़ प्रतियोगिता पर चर्चा की गई। दौड़ तकरीबन 2 किलोमीटर की होगी जो जेपी गोलंबर से मिलर स्कूल तक होगी। पटना के एसएसपी कार्यालय के बाहर किन्नरों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। 50 से ज्यादा की संख्या में आए किन्नर एसएसपी मनु महाराज से मिलने आए थे, लेकिन मनु महाराज कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद किन्नरों ने कार्यालय के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल पटना में एक किन्नर के घर में घुसकर गला रेत कर हत्या और लूटपाट के विरोध में ये किन्नर हंगामा कर रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया था। किन्नरों की मांग है कि आरोपी को फांसी या उम्र कैद की सजा दी जाए, साथ ही मांग नहीं मानने पर आंदोलन करने की बात कही है। इसलिए किया है कि हमारे किन्नर समाज में हमारा चेला लगता था, उसको कल ने छुरी से गला काट के किसी दोस्त बन के और उसको उस क्लिनिक में डाल दिया और जाके 3 बजे हाजिरी लगाया थाना में कि हमने काट के आए हैं, तो थानेदार हमारा क्या इंसाफ दिया। और इस साहब से हम पूछने आए थे यही बात को कि आप तो ऊंचे पद पे हैं, आपसे ज़्यादा इंसाफ हमको मिलेगा, थाना से तो नहीं मिलेगा बाकी आपसे मिलेगा। ये घूस लेके 8 लाख रुपया थानेदार हमारे बच्चे को कटवा के और उसको क्या किया है कि वहाँ भेज दिया बेउर जेल, समझ लिए, नया गंजी पहना के और नाश्ता करा के और बिसलारी का पानी पिला के, क्या हमारे साथ ही इंसाफ होगा। बिहार में सियासी बदलाव होते ही अवैध बालू खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में नई सरकार आने के बाद अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। इस दौरान मनेर से लेकर बिहटा और कोलई वर्तक के इलाकों में माइनिंग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 17 पोकलेन जब्त किए, वहीं 30 लोगों को अवैध खनन करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। माइनिंग विभाग के द्वारा आज फोर्स की मांग की गई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने फोर्स उपलब्ध करवाया है, क्योंकि ये दुर्गम इलाका है और यहाँ पर घटना ना हो, पूर्व में यहाँ गोलीबारी भी हो चुकी है, हत्याएं भी हो चुकी हैं, तो इसलिए सफिशिएंट मात्रा में फोर्स दिया गया और माइनिंग विभाग को सहयोग दिया गया है माइनिंग के लिए, क्योंकि ये एरिया कई जिला का पड़ता है, छपड़ा, वैशाली, आरा, पटना। तो मैं बाकी जिला से भी कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर से भी बात करूँगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन मीटिंग होगी और लगातार सब जिला अभियान चलाएंगे इसमें और प्रयास रहेगा कि इसको बंद किया जाए। नाव पर सवार एसएसपी मनु महाराज पूरे दलबल के साथ बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निकले। वहीं एसएसपी ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही। वीआईपी हो या जो भी हो, जो व्यक्ति इनसे काम करवा रहे हैं और जितना बड़ा पॉपुलेशन लाके यहाँ खड़ा कर रहे हैं, उस पे नेम्ड एफआईआर होगी और उन पे कार्रवाई होगी, जो भी वो होगा। सर पुलिस चालू हो जाता है, निश्चित रूप से चुनौती तो है, पर लगातार छापामारी करनी होगी माइनिंग विभाग को इसमें, और माइनिंग विभाग जब जब भी पुलिस फोर्स की मांग करेगा हम लोग उसको उपलब्ध करवाएंगे। तो मेन काम ये माइनिंग वालों का है जिसमें पुलिस सहयोग कर रही है, और अगर किसी पुलिस वाले की इसमें सहभागिता आएगी और नाम आएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पुलिस को इसमें रोल नहीं प्ले करना है। खनन अधिकारी मनोज अम्बस्ट ने कहा कि अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। यहाँ पे अवैध खनन की शिकायत वर्षों से है, हमेशा इस पर प्रयास होता रहा है, इस पर चोट की गई है। इस बार शुरू में ही हम लोग लग गए, कोई खबर मिल गई कि वो लोग फिर इस बार एक्टिव हो गए हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे तो अवैध खनन है, यहाँ से नदी के रास्ते जो जाता है उसको रोकने के लिए हम लोग अभियान चलाए हैं। आगे इसको रोकने के लिए और क्या करेंगे वो हम लोग समय के साथ बता सकते हैं। आज जो हुआ है इसमें अभी पोकलेन जो जब्त हुई और चल रही उसको जब्ती करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई। बिहार में अब नई सरकार बन गई है, लेकिन चुनौतियाँ वही है। देखना होगा कि बीजेपी जेडीयू के गठजोड़ की ये नई सरकार इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। दानापुर से इश्तियाक खान की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
सुपौल जिले के नदी थाना इलाके में कोसी नदी के किनारे से दो लावारिस लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाशें कई दिन के पुरानी लग रही हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटा के सोन नदी में डूबने से एक 28 वर्षीय युवक बिंदी राय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिंदी भैंस चराने के लिए गया था, ठीक उसी समय पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे युवक घबरा गया और नदी में कूद गया। मौजूद लोगों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। फिलहाल NDRF की टीम ने शव को खोजने में लगातार जुटी हुई है। प्रशासन होने गया बेटा थाना के, कौन थाना था, दुगो थाना गया, कोई और थाना बेटा और डराइले उसे भागा सब, बस हेल गया अपना पानी, वही चलो डूब गया आधा रोज हेल के थाना। प्रशासन होने भाग गया, देख के अभी भाग गए, प्रशासन भी वहीं में भाग गया। अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है? ये प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रहा है, आधा घंटा से प्रशासन आयल है, फोन लगा रहा है तो बाबा बाबू तो फोन नहीं लग रहा है, और अभी देखिए कि क्या कर रहा है। अभी तक NDRF न पहुँचा। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में पुलिस ने शराब सिंडिकेट का खुलासा किया है। शराबबंदी से पहले शराब कारोबारी यहां सिंडिकेट चला रहे थे, जिसका बेतिया नगर पुलिस और तकनीकी सेल के अधिकारियों ने खुलासा करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। शराब की सप्लाई करने वाले दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बेतिया में शराब लाकर स्टॉक की जा रही थी। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर बेतिया से 47 कार्टन और स्टेशन चौक से 150 कार्टन शराब बरामद की गई है। अट्ठाईस 29 की रात्रि में बेतिया नगर थाना द्वारा करीब 47 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आई थी कि अभी शराब बसवरिया में जमा है। पुलिस की सरगर्मी देखकर सारा कारोबारी वहां से शराब हटा दिए, जिसके बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक बेतिया द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिस टीम में तकनीकी सेल के पदाधिकारी नीलेंबू कुमार, नगर थाना के पुलिस एवं अन्य कर्मी। बांका के भागलपुर हस्टिया के नेबुआ पेट्रोल पंप के सामने ऑटो और स्कॉर्पियो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार 6 कांवरिये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बाराहात PSC में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सहरसा सदर थाना के थानाध्यक्ष भाई भरत को गुप्त सूचना मिली कि सदर थाने के रमेश रोड में एक बंद मकान में भारी मात्रा में शराब रखकर उसे बाजार में सप्लाई किया जाता है। थानाध्यक्ष द्वारा पूरे दलबल के साथ मकान की घेराबंदी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को 95 लीटर शराब बरामद हुए। मकान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हृदय नंद सिंह का है, जिसे राजेश साह नाम का आदमी किराए पर लिए था। पुलिस मकान को सील कर जांच में जुट गई है। बंदी के अभियान में हम लोग अवैध शराब की छापामारी पर जो है गिरफ्तारी करते हैं और बरामदगी करते हैं। इसी क्रम में जो है पुनः थाना के सूचना तंत्र के द्वारा एक सूचना मिली कि गंगजला में रमेश झा रोड में एक मकान में शराब इकट्ठा कर जो है उसको शहर में सप्लाई करने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में सूचना पर जो है थानाध्यक्ष भाई भरत को अपने साथ स्वामी सुशील कुमार सिंह को और थाना के जवानों के साथ पैंथर के साथ जो है वहाँ गए और उस घर को चिन्हित किया और उसमें छापामारी करने पर तलाशी लेने पर जो है इतने सारे जो आप देख रहे हैं और इसमें करीब कुल 294 लीटर शराब अवैध शराब बरामद हुआ। भागलपुर में उत्पाद विभाग के कार्यालय में उत्पाद विभाग ने हजारों बोतल देसी और विदेशी शराब को रश किया। लगभग 8,000 कार्टन शराब पर विभाग ने बुलडोजर चलाया। बिहार की खबरों के बाद रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। रांची में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सूबे के कई आदिवासी संगठन तैयारियों में जुट गए हैं। तैयारियों को लेकर संगठन की बैठकों का दौर भी जारी है। 9 अगस्त को होने वाली विश्व आदिवासी दिवस के लिए झारखंड आदिवासी जन परिषद के बैनर तले कई आदिवासी संगठनों ने बैठक की। बैठक में आदिवासी दिवस को लेकर चर्चा की गई।
प्रदेशों के प्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ पर कमिट, क्योंकि महिला जब करेगी तो और अच्छा लगेगा। सही बात। हाँ, पुरुष ड्राइवर हो। इस 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और इसलिए मनाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज ही के दिन में, मतलब 9 अगस्त के दिन में जो है पूरे देश के लोगों को जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार लागू हो रहा है कि नहीं, उसी के लिए वहाँ पर एक कानून बनी। लेकिन आज के दिन में देखते हैं कि राज्य में और देश में भी जो हमारा देश है, हमारी आदिवासियों के सभी मामले पर, उनकी जो संवैधानिक अधिकार के मामले पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सरायकेला के मानी कोई नदी तट पर पिकनिक मनाने के दौरान डूबकर मरे छात्र आंशिक बनर्जी और रजत कमल के परिजनों ने मृत छात्रों के दोस्तों पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि 3 जुलाई को छात्र रजत कमल और आंशिक बनर्जी के डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन दोनों मृत छात्रों के परिजनों का कहना है कि उसके दोस्तों ने अभिनव, स्वर्णिम और अंकित ने दोनों की हत्या की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी तीनों छात्रों को रिमांड होम पहले ही भेज दिया है। वहीं परिजनों ने स्थानीय RITA पुलिस के प्रभारी वीरेंद्र पासवान पर मामले की लीपापोती किए जाने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद परिजनों ने SP चंदन सिन्हा को मामले से अवगत करवाया। फिलहाल आरोपी छात्रों पर 302 के तहत हत्या किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। साजिश करके हत्या किया गया है। हाँ, कैसे आप कह सकते हैं बात? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता रहा है, हम क्या कहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने खुद बनाया है, उसी के बेसिस के ऊपर में SP साहब मिस्टर चंदन कुमार सिन्हा ने 302 का उसमें धारा कंडक्शन करने के लिए IO को हिदायत दिए हैं। फिर भी IO इतना ढीला ढाला चल रहा है कि वो जो है सो लास्ट टाइम में उसको अप्रूव करवाया है, लेकिन फिर भी अभी भी वो PP के सामने सबूत में मजिस्ट्रेट के पास आया नहीं है। तो 302 के तहत मामला दर्ज हो गया, वो जेल में जा चुके हैं। वो तो 300 जेल तो वो लोग शुरू से ही रिमांड में है, लेकिन तो अभी क्या रिमांड आप लोग कर रहे हैं? रिमांड में है, लेकिन अभी तक उनको सही से पूछताछ भी हुआ नहीं। रामगढ़ में कैबिनेट मंत्री सरयू राय ने 65 वन रक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान रामगढ़ DFO प्रेरणा दीक्षित समेत वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं DFO प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि रामगढ़ में 74 वन रक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे, लेकिन अभी फिलहाल उपस्थित 65 अभियुक्तों को बांटे गए हैं। सरायकेला में जिला RJD कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 27 अगस्त को पटना में होने वाली रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि RJD सुप्रीमो लालू यादव ने 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में भाजपा भगाओ देश बचाओ महारैली का ऐलान किया है। राजद के जिला प्रभारी योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि रैली में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश है। जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में और सामाजिक न्याय के शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही देश से भाजपा भगाओ की रैली का जो आयोजन किया गया, उसी रैली के संदर्भ में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल सरायकेला के प्रमुख साथियों का एक बैठक रखा गया कि किस तरह हम लोग तैयारी करके वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से हजारों कार्यकर्ता कुछ ट्रेन से, कोई गाड़ी से, अपने अपने साधन से वहाँ पहुँचेंगे। पहुँच के लालू यादव के हाथों को और विपक्ष की जो शक्ति है उसको मजबूत करने का। रांची के झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन एवं एड्स कंट्रोल एसोसिएशन ने HIV एड्स विभाग में लैब टेक्नीशियंस के पद पर तैनात युवक के परिवार की आर्थिक रूप से मदद करते हुए 1,00,000 की आर्थिक राशि प्रदान की है। आपको बता दें कि लैब टेक्नीशियंस की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे जो झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, इसके जो सक्रिय कार्यकर्ता हर ज़िले में हैं, उन्होंने अपने स्तर से हर ज़िले से कुछ पैसे का इकट्ठा करके आज हम लोगों ने इनको 1,00,000 रुपया सहायता के रूप में इनके बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। हम किन के सहारे? उन्हीं के सहारे तो वो चले गए।
अब वो अपना बच्चे का भविष्य देखना चाहता है। जो बीत गया सो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन अब आगे का तो सोचेंगे ना हम। तो एसोसिएशन ने तो अपनी मदद कर दी जितनी कर सकते थे, अब सरकार कितनी मदद करती है देखने वाली बात है। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।